सो हेलो गाइस, आज हम स्केचर की ही प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और आज हम ये बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन पार्ट्स। ओके, तो अब हम प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे YZ। यहाँ पे स्केच पे क्लिक करेंगे, हम स्केचर एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा। पहले एक 20 कटाया, एक 30 कटाया, ठीक है। मैं सेंटर पॉइंट से ही लूँगा ये 20 एंड देन डायमेंशन साथ साथ में दे देते हैं। ये अभी रेडियस पे है, मैं इसे डाय में कन्वर्ट कर देता हूँ। फर्स्ट मेरा 30 का है, सेकंड मेरा 20 का डाय है, राइट। जूम कर लेते हैं इसे, इस व्यू को हम यहाँ पे कर देते हैं ताकि हमें कोई इशू ना हो चेक कर। तो अब हम देखते हैं, ये सब एक स्ट्रेट लाइन पे आप देखोगे, ये वाला यहाँ से पॉइंट, ये भी और ये भी। तो इसके लिए एक हम इनफिनाइट लाइन ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल पे और इसको कंस्ट्रक्शन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, तो हम पहले ये बना लेते हैं। इसमें रेडियस 8, इनर 4 और 10 का बीच में सेंटर डिस्टेंस। तो एलोंगेटेड होल हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियस देना है। तो ये था हमारे पास 10, राइट। ये आ गया 10 है मैम, हमारे पास रेडियस था आउटर 8 आई थिंक, राइट, 8 ही था, 8 रेडियस था। इसे हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हो गया। अब इसे फुली कंस्ट्रेंट करने के लिए हमें ये डायमेंशन देनी पड़ेगी। यहाँ से ये 36 है और टोटल ये 81 है। तो हम पहले ये भी बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर डायमेंशन देते हैं। एंगल 30 भी आर, ओके। सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल बनेगा हमारा यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये क्या हो गया, ओके सॉरी, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आएगा और थर्ड पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल बन गया और इसको ये पॉइंट कौन सा है, जस्ट अ सेकंड, कौन सा पॉइंट आ गया, ओके। एंगल दे दूंगा 30, तो ये आ गया 30। और यहां से आउटर तक था ना, हाँ आउटर तक का 81 है डिस्टेंस। उससे पहले मैं इसका रेडियस दे देता हूँ, ये है हमारा 8,
है हमारा 81। और ये हमारा 36। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट हो चुका है कि अब मुझे ये होल बनाना है 35 और 10। ठीक है, ये है 32 डायर का। इसको कंस्ट्रक्शन से कन्वर्ट कर देते हैं। और ये हमारा डिस्टेंस था 35 आई थिंक 35, और ये हमारा डिस्टेंस था 10, राइट। ओके, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये था 10 और हमारा जो डाया था वो था 32। चेक कर लेते हैं, हाँ 32 डायर, 10, 35। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक आर्क लगेगी रेडियस 30, तो ये हम बना लेते हैं। हम 3 पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विद लिमिट्स। ठीक है, ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे और हम आर्क बना लेंगे। अब हमें टेंजेंसी देनी है इसे, इसको इसके साथ टेंजेंसी, इसको इसके साथ टेंजेंसी। अब सिंपल इसको और दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी टेंजेंसी आ जाएगी और ये डायमेंशन के साथ भी आ जाती है। ठीक है, अब हम इसको देंगे रेडियस इसका जो कि था 30, ये 30 का रेडियस आ गया। ठीक है, ओके, तो अब हमें सेम इस साइड पे भी हमें 24 का रेडियस चाहिए होगा, आग चाहिए होगी, तो हम यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट को पकड़ के ये एक देखोगे आप तो एक साइड पे खुद ही टेंजेंसी आ चुकी है अभी, बट मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। आपको अब इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे टेंजेंसी, राइट, जो मैंने बताया था। और दूसरा वाला हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टेंजेंसी आ जाएगी। तो ये हमारा टेंजेंसी हो गई और हम सिंपल डायमेंशन देंगे 24, राइट। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें एक और आग चाहिए होगी 16 की, सेम वैसे ही आएगी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये एक साइड से टेंजेंसी इसने खुद ही उठा ली है। ये देखोगे आप तो यहाँ पे टेंजेंसी आ गई है, दूसरी साइड पे हम टेंजेंसी कर देंगे इसको, ये राइट क्लिक टेंजेंसी, और इसका रेडियस होगा 16। ठीक है, अभी ये भी फिल करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी 16 का है सेम, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एक साइड टेंजेंसी आ गई, दूसरी साइड हम टेंजेंसी कर देंगे टेंजेंसी, और इसका डायमेंशन होगी 16। ओके, अभी रहता है हमारे पास ये इनर सर्कल, यहाँ पे एलोंगेटेड, और ये वाला सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल, ये रहता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमें इसे 3D में कन्वर्ट करना होगा तो वो हम नहीं बनाएंगे, वो सेकंड स्टेप पे बनेगा। जैसे ये भी ट्रिम होगा, अगर मुझे 3D में पहले इसे कन्वर्ट करना होगा, ये भी ट्रिम होगा, ये सिर्फ आउटर लाइन रहेगी, जो भी आउटर लाइन है ना अभी ये रहेगी, उसके बाद सेकंड स्टेप में बनेगा वो।
तो अभी पहले तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर हम 3D में बनाएंगे इसे। ठीक है, सेम 4 रेडियस का हमें यहाँ पे चाहिए होगा। पहले 24 का डाया लगा लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाया जो है ना हमारा 24 का है। ठीक है, एडिट होल ले लेते हैं। चलो पहले यहाँ पे पहले हम सेंटर सिलेक्ट करते हैं जहाँ से हमें चाहिए होता है, फिर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, फिर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है 4। ठीक है, ये रेडी हो गया। सेकंड पे स्ट्रेट वाला, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसमें डायरेक्ट हमें, ठीक है, 4। तो ये हमारा एग्जैक्ट बन गया है जैसे इस ड्राइंग में देखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा आ गया रेडियस आया, तो ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया हमारा। ठीक है, बट हम इसे 3D में कन्वर्ट नहीं कर सकते अभी। देखो, जब जाओगे और मैं पैड करना चाहूँगा इसे, और यहाँ से हम सिलेक्ट स्केच करेंगे, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें 3D में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा, जैसे मैं इसे कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो भी जिनको मैं ट्रिम नहीं करूँगा, बट मैं कंस्ट्रक्शन में चेंज कर सकता हूँ, मैं वो कंस्ट्रक्शन में चेंज कर दूँगा कुछ चीज़ें जो मुझे ट्रिम करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी कंस्ट्रक्शन में हो गई। अब ये जो है ये मुझे ट्रिम करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए मैं ये ऑपरेशन में जाऊँगा, यहाँ पे मिरर नहीं, ये ट्रिम वाले में ड्रॉप डाउन क्लिक करूँगा, क्विक ट्रिम, यहाँ पे जाके 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, बाकी मैं इसे कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे भी कंस्ट्रक्शन में चेंज कर सकता था, कंट्रोल जेड करता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ ट्रिम चाहिए मुझे, इस पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, इस पे चाहिए और इस पे चाहिए, जो यहाँ पे भी चाहिए एक यहाँ पे। ठीक है, हाँ जैसे ये है, मैं इसे कंस्ट्रक्शन में चेंज कर देता हूँ, ये रहता है इसे कंस्ट्रक्शन में चेंज कर देता हूँ, ये रहता है इसे कंस्ट्रक्शन में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये रह गया है, ये फुली कंस्ट्रेंट नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगा हुआ था। ठीक है, इस पर नहीं है, इसे मैं सिंपल हॉरिजॉन्टल दे दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फुली डिफाइन हो गया। ठीक है, अभी ये भी रहता है तो इसे भी ट्रिम कर देंगे हम। हाँ, तो अब ये सारा होलो, अंदर वाला होलो स्पेस है, मतलब कोई और एलिमेंट कट नहीं कर रहा है इसे, तो ये सिंपली पैड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता और मुझे यहाँ पे जैसे मुझे कट चाहिए, तो मैं इसे इसमें कर दूंगा, जैसे ये भी मुझे कट में चाहिए सिंपल एलिमेंट में, क्योंकि यहाँ पे इसे स्पेस मिल रहा है घूमने के लिए। अगर ये यहाँ पे कट होता भी यहाँ पे, तो नहीं होता ये, तो पैड नहीं हो पाता ये, जैसे ये है, जैसे ये है, तो इन्हें हम रख सकते हैं, तो अब ये पैड हो जाएगा। बट ये जो रहता है, यहाँ पे बताता हूँ, ये जो रहेगा, ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़, ये चीज़ यहाँ पे, तो ये पैड नहीं हो पाता। अब देखो ये पैड हो जाएगा, पैड पे क्लिक करेंगे, ओके, ये यहाँ पे इशू है, ये मैच नहीं कर रहा है, ऐसे देख लेता हूँ। यहाँ पे जाओगे तो ये थोड़ा सा ट्रिम करने के लिए रह गया है, ये ट्रिम करेंगे हम यहाँ से, अब सही है, अब ये इजिली हो जाएगा। ठीक है, कितना पैड चाहिए मुझे, चाहिए 10 का पैड। ठीक है, हो गया, यहाँ पे देखोगे
नॉर्मल टू करोगे तो ये स्ट्रेट में आ जाएगा। यहाँ पे जाओगे आइसोमेट्रिक में करोगे तो आइसोमेट्रिक व्यू दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, मुझे कौन सा चाहिए, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, तो ये उस हिसाब से दिखा देगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं, ये देखो ये सर्कल तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये भी नहीं दिख रहा होगा, ये भी नहीं, बट ये सिंगल व्यू है। अगर इसका मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे ये चीज़ें चाहिए तो मुझे सिंपल इस फेस पे, प्लेनर फेस पे क्लिक करके दोबारा स्केच पे जाना पड़ेगा और ये जो वाला सर्कल था ना, ये बनाना पड़ेगा, ये जो थे जो हमने ट्रिम कर दिए, ये मैं बना देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मुझे डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस पॉइंट को क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ, इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसे कर दूँगा कोइंसिडेंट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इसको भी मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको कर दूँगा मैं हॉरिजॉन्टल, इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा दोबारा से कोइंसिडेंट करूँगा, हो जाएगा। यहाँ पे जाऊँगा, इसे क्लिक करूँगा, कोइंसिडेंट कर दूँगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी चाहिए था ना हमें, हाँ ये बड़ा वाला क्लिक करेंगे इस पर, इसको सिंपल कॉन्सिडेंट कर दो, सिलेंड्रिकल वाला चाहिए अब हमें, एलोंगेटेड सेंटर पॉइंट फर्स्ट सेकंड, और ये ठीक है। डायमेंशन अभी हमें चाहिए नहीं, डिलीट करो, ये पॉइंट पे कोइंसिडेंट, बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ, किसको यहाँ पे इसने टेंजेंसी उठा ली है इसकी, तो इसे डिलीट करूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो दो सर्कल हैं, एलोंगेटेड होल हैं, सिलेंड्रिकली एलोंगेटेड होल है, तो ये कैसे पैड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैड इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल है, इसके अंदर स्पेस है तो वो पैड होगा, ठीक है, इसके अंदर स्पेस है वो पैड होगा, इसके अंदर स्पेस है तो आउटर की, जैसे हम अगर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे लाइन और ऐसे लगाएंगे तो वो पैड नहीं होगा, वो एरर दिखाएगा। अब यहाँ पे हमें होल भी चाहिए तो हम एक और कमांड, ये जो रह गई थी हमारी प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, तो ये काम आएगी हमें, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, 1 2, सॉरी डबल क्लिक नहीं हुआ, ये आ गया, इसे क्लिक करके हम ये एजेस प्रोजेक्ट कर लेंगे ताकि हमें अलग स्केच नहीं बनाना पड़े, ठीक है। जो भी एजेस हैं ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, स्केप करूँगा। अगर मैं इन एजेस को कंस्ट्रक्शन में करना चाहूँगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम एग्जिट करेंगे, अब आप देखोगे इसे हम पैड कर पाएंगे, ये कर लेते हैं हम 5, ये पैड हो गया। अब आप देखोगे, नॉर्मल टू करता हूँ, अब एग्जैक्टली सेम दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे, एक मिनट, ये यहाँ पे रखता हूँ मैं, और ये यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे ये आउटर लाइन आ रही है, यहाँ पे ये आउटर लाइन आ रही है, तो ये अलग अलग इस पे बनेगा, सिंगल स्केच पे नहीं बन सकता ये कभी भी, अगर आप 3D पैड करोगे तो सिंगल स्केच में नहीं बन पाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह बनते हैं ये। हाँ, मैं जो बोल रहा था कि आप बोल रहे थे कि ये अलग अलग हो जाएगा, तो आप ये देखो, जैसे मैंने ये बनाया ना, अगर मैं यहाँ पे ऐसे हटा दूँ, प्रोफाइल लेता और इस पॉइंट से यहाँ पे, हाँ
इसको कर देंगे हम एक्सटेंड यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से इसे बनाएंगे यहाँ तक। अब ये पैड नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इनके साथ अटैच्ड है। अगर ये अटैच्ड नहीं होता, अलग होता, जैसे पहले बनाया था मैंने, वो गलती से बन गया था, मतलब पॉइंट नहीं बना था, ये यहाँ पे सिर्फ एक टच हो रहा है ये, ठीक है, तो अभी हो जाएगा, क्योंकि ये इसको क्लोज एरिया मिल गया है पैड होने के लिए, ठीक है, बस यही था। जहाँ पे इसे क्लोज एरिया नहीं मिलेगा सिंगल सिंगल को, वहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये हमारी वीडियो यहीं तक थी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।